अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिमेनिंग सेक्शंस डिस्कस करेंगे और उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करनी है जिसमें सिंगल ब्लाइंडेड, डबल ब्लाइंडेड और ट्रिपल ब्लाइंडेड स्टडीज़ हैं। इनमें डिफरेंस यहाँ पे कुछ बताया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने आज डिस्कस करना है वो है प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट जस्ट साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट लेने के लिए जो हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं पेशेंट को, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आता है उसका, फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट नहीं आता। असाइनमेंट, नेक्स्ट पॉइंट असाइनमेंट है। असाइनमेंट में मैंने पैरेलल असाइनमेंट लिखा था और यहाँ पे मैं आपको जो असाइनमेंट्स की टाइप्स हैं और उनकी डिटेल वगैरह यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए कि आप अपनी स्टडी के हिसाब से देख लें कि आपने पैरेलल, आपकी स्टडी में असाइनमेंट टाइप जो है वो पैरेलल होगी, सिंगल होगी या फिर क्रॉस ओवर होगी। इसके अलावा फिर टारगेट सैम्पल साइज़ जो कि आपने सैम्पल साइज साइनोप्सिस में लिखा है वही आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने जो है वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिक्रूटमेंट मेंशन करनी है, यानी कब आपने पेशेंट लेना स्टार्ट करना है। स्क्रीनिंग जब आपने पेशेंट्स की स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट डेट फर्स्ट पेशेंट जब आपने लेना है और एंड डेट रिक्रूटमेंट की एंड डेट जो है ना वो जब आपने लास्ट पेशेंट की रिक्रूटमेंट कर लेनी है, कंप्लीट हो जाना है आपका सैंपल साइज़, तो आपने वो एंड डेट जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट मेंशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन दोनों चीज़ों को छोड़ देना है, रिक्रूटमेंट हैज़ बिन कम्प्लीटेड है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, साइनोप्सिस के बाद आप रजिस्टर करवा रहे हैं, तो इसको आपने स्किप करके सेव कर देना है। उसके बाद है सेकेंडरी आईडीज़। अगर आपके पास हैं सेकेंडरी आईडीज़, अगर आप पहले रजिस्टर करवा चुके हैं कोई ट्रायल, तो उनकी आईडीज़ जो आपको प्रोवाइड हुई है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी में आपने जब आपको आईआरबी लेटर प्रोवाइड होता है, आप डाटा कलेक्शन लेटर मिलता है, आईआरबी लेटर भी आपको मिलता है, आपको अप्रूवल मिलता है कि आप डाटा ले सकते हैं, तो आपने उस जो आपकी एथिकल कमेटी होती है जो आपको आईआरबी लेटर देती है, आपने उसकी सारी डिटेल यहाँ पर मैंशन करनी है। जैसे कि नेम ऑफ द एथिक्स कमेटी वो आपके इंस्टीट्यूट के नाम से आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल एथिक्स कमेटी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। उसके बाद सारी डिटेल एथिक्स कमेटी की, कंट्री नेम और उसका प्रोविंस और उसका सिटी, इवन लाइक स्ट्रीट एड्रेस भी आपने जो एथिक्स कमेटी है उसका प्रोवाइड करना है यहाँ पे। उसके बाद आपने एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी, आपको आईआरबी लेटर कब मिला है, इशू डेट ऑफ द आईआरबी लेटर वो आपने मेंशन करनी है। और एट द एंड लास्ट में आपने आईआरबी लेटर जो है उसकी आईआरबी लेटर नंबर जो आपका होता है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है हेल्थ कंडीशन स्टडी। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने जो हेल्थ कंडीशन स्टडी की थी वो थी प्लांटर फेशाइटिस, मेरा टॉपिक था प्लांटर फेशाइटिस के ऊपर। तो आपने ये देखना है कि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो कोई डिजीज़ है या जस्ट कोई कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने जो WHO का ICD कोड कोडिंग सिस्टम है, ICD-10 कोडिंग सिस्टम है, उसमें जाके, उस लिस्ट में जाके आपने देखना है अपनी डिजीज़ और कंडीशन का जो ICD-10 कोड है वो यहाँ पे एंटर करना है और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डालनी है। आप WHO की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये WHO ICD-10 ऑनलाइन कोडिंग सिस्टम जो है ना ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आपने ये दोनों चीज़ें लेनी है और यहाँ पे एंटर करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्राइमरी आउटकम्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी आउटकम्स, इनको तकरीबन एक ही तरीके से दोनों को फिल करना है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन देनी है आपको। फॉर एग्जांपल प्राइमरी आउटकम में जैसे पेन आप मेजर कर रहे हैं, पेन के ऊपर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, या आप ROM के ऊपर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन के ऊपर, या किसी और सिम्टम के ऊपर आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, वो आपका प्राइमरी आउटकम होगा। वो आपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। फिर टाइम पॉइंट, कब कब आपने मेजर करना है, किस किस पॉइंट पर आपने डाटा लेना है वो, और मेथड ऑफ मेजरमेंट, ये तीनों चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और उसके बाद है इंटरवेंशन ग्रुप्स, उसमें आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है कि आपका इंटरवेंशन ग्रुप कौन सा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा इंटरवेंशन में दे रही थी ग्रेस्टन टेक्निक, तो मैंने इंटरवेंशन ग्रुप का नाम लिखा था ग्रेस्टन टेक्निक ग्रुप। और उसके बाद उसकी कैटेगरी लिखनी है आपने, कैटेगरी में आपने वो आपका ट्रीटमेंट ग्रुप है या आपका वो प्लेसिबो ग्रुप है या आपका वो जो है वो लाइफ स्टाइल चेंज समथिंग है, प्रिवेंशन है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपने मेंशन करनी है। जैसे या फिर आप इनमें से कोई भी नहीं है
तो फिर आप अदर मेंशन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो मैं डिवाइस के थ्रू ट्रीटमेंट दे रही थी, तो मैंने उसमें मेंशन किया था ट्रीटमेंट डिवाइस, जैसे कि ये जो है ना मेंशन हुआ हुआ है। अदरवाइज आप रिहैबिलिटेशन भी मेंशन कर सकते हैं, और आप इसके अलावा अपने ट्रीटमेंट का कोई और जो भी आपकी कैटेगरी है, ड्रग्स के थ्रू आप दे रहे हैं, सर्जरी आपका ट्रीटमेंट है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कोई एक पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे और देन इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्रूटमेंट सेंटर, जहाँ से आपने डाटा लिया है। आपने उस इंस्टीट्यूट का या उस हॉस्पिटल का या उस जो भी कोई और सेंटर टाइप है, जैसे ओल्ड होम्स वगैरह होते हैं, तो इस तरह का कुछ भी है जहाँ से भी आपने डाटा लिया है, उसकी आपने सारी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। नेम, फुल नेम, जो उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हेड और कोऑर्डिनेटर, और जो भी उसका ऑनर है उसकी डिटेल, उस कंट्री नेम एंड प्रोविंस, वही सिटी नेम एंड स्ट्रीट एड्रेस, पोस्टल कोड एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स, ईमेल, सारी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉन्सर्स और फंडिंग सोर्सेज। अगर आपको स्पॉन्सर कोई कर रहा है या फंडिंग कर रहा है, तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन। उससे अगला पॉइंट है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरल इंक्वायरीज। आप तीन चार लोग हैं या आप अकेले हैं, तो आप अपना नाम लिख सकते हैं, या अपने जो ग्रुप फेलोज हैं उनमें से किसी का नाम लिख सकते हैं, या फिर अपने सुपरवाइज़र का नाम लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर साइंटिफिक इंक्वायरीज। तो इसमें भी आप इसी तरीके से अपना या सुपरवाइज़र का या किसी ग्रुप फेलो का नाम लिख सकते हैं। और इससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग डाटा। इसमें भी आप वैसे ही सब कुछ एंटर करेंगे जैसे कि पहले डिस्कस हो चुका है, वही सारे पॉइंट्स इसमें भी आप डालेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोकॉल समरी। प्रोटोकॉल समरी में जो भी पॉइंट्स हैं तकरीबन वो सारे पहले डिस्कस हो चुके हैं, आप पहले उनको लिख भी चुके हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, समरी देनी है। तकरीबन सारे जो पॉइंट्स हैं, स्टडी एम है, पार्टिसिपेंट्स हैं, इंटरवेंशन ग्रुप है, डिज़ाइन, इन सब की आपने इस तरीके से समरी लिखनी है कि नीचे दी गई जो परसेंटेज स्पेस है ये फिल होती जाएगी, और उससे ज़्यादा आपने नहीं फिल करना, यानी स्पेस आपने ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करनी। तो वही सारी चीज़ डिटेल आपने दोबारा से यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। के लास्ट जो पॉइंट है वो है शेयरिंग प्लान। मतलब आपने अपना जो डाटा है जो सारा, यानी जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी और रिज़ल्ट आ जाएगा, उस तब तक जो आपका डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट डाटा है, जैसा कि आपका जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट डाटा सेट है, स्टडी प्रोटोकॉल्स हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म्स हैं, ये जो सारा डाटा आपने, मतलब सारी जो आपकी स्ट्रेटजी है, उसमें से कौन सा डाटा आप शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। इस तरीके से शेयर करना, लाइक अगर आप कहते हैं कि हाँ जी हम ये वाली चीज़, ये डाटा शेयर करेंगे, तो इसका मतलब है कि वो जो डाटा है वो ओपनली जो इस स्टडी को पढ़ने वाले लोग हैं उनको उनको अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आप इसमें से सिलेक्ट करेंगे कि आपने कौन से वाला डाटा कॉन्फिडेंशियल रखना है और कौन सा डाटा आप शेयर करना चाहेंगे, वो आप पहले से यहाँ से टिक कर देंगे। ये सारा डाटा एंटर करने के बाद आपकी जो मैक्सिमम स्पेस, जो परसेंटेज आ रही थी फिलिंग, डाटा फिलिंग की जो परसेंटेज शो हो रही थी फर्स्ट पेज पर, वो मैक्सिमम ऑक्यूपाइड हो चुकी होगी। और नीचे सबमिट का ऑप्शन होगा, आपने सबमिट के ऑप्शन को क्लिक करना है और अपने ये सारा डाटा जो है वो सबमिट करवा देना है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस होगा, एक दो दिन लगेंगे, उसके बाद आपके पास ईमेल आएगी। अगर आपके डाटा में कुछ मिस्टेक्स होंगी तो वो मिस्टेक्स क्लियर करने को आपको कहा जाएगा, मेंशन कर देंगे मिस्टेक्स, आप उनको दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, उनको ठीक करेंगे और देन अगेन सबमिट करवाएँ।